दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप पैसा बाजार ऐप से पर्सनल लोन कैसे लेंगे। यहाँ से पर्सनल लोन अप्रूव हो जाता है तो उस पैसे को आप बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों, पैसा बाजार ऐप की मदद से आपको वेरियस टाइप के लोन, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन, होम लोन, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड, सभी तरह के लोन और क्रेडिट कार्ड ऑफर यहाँ पे किए जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसे सिंगल वेबसाइट है जिसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करके इजिली पता कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर कौन सा क्रेडिट कार्ड, कौन सा पर्सनल लोन, होम लोन अप्रूव है। अगर यहाँ से आपको पता लग जाता है, आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर लोन ले सकते हैं। तो लोन के लिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे सारी प्रोसेस होगी, आप यहाँ से पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, इस वीडियो में आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एक सेक्शन मिल जाता है पर्सनल लोन का, आप पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो प्रोफाइल है आप यहां से चूज करेंगे, सेलरेट क्लिक करने वाले। जैसे आप सेलरेट के ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहां पे आप बताएंगे कि आपकी ईयर बेस पे कितनी इनकम है, मतलब आप सालाना कितना पैसा कमाते हैं। तो मंथली में जो भी आपकी इनकम रहेगी उससे आप कैलकुलेट करेंगे और यहां पे आप जो है डाल देंगे। तो देखिए, मैं इसको क्लिक करूंगा, ये वाले स्लैब को। तो ये पूछेगा कि आपकी जो सैलरी है वो किस बैंक के अंदर आती है, तो आप यहां से बता सकते हैं कौन से बैंक में आपकी सैलरी आती है। तो हम जो है यहां पे कोटक रखने वाले। यहां पे एम्प्लॉयर का नाम आप चुनेंगे, कौन सी कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो भी कंपनी रहेगी वो आप यहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि कौन सी सिटीज के अंदर जो आप जो है जॉब करते हैं। यहाँ पे सारी सिटी आएगी आपको, यहाँ पे शो होगी। फिर भी आपको शो नहीं हो रही तो ऑल सिटी के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए, मैं इंदौर चुन लूंगा। तो यहाँ से दोस्तों मैंने सिटीज चुन ली। अभी जो भी मेरा नंबर रहेगा पैसा बाजार प्रसाद रजिस्टर्ड, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। देखिए यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लॉगिन आएगा, आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट योर रेजिडेंस टाइप, आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप कहाँ पे रहते हैं, क्या आप एक रेंट के मकान में रहते हैं या मकान आपका खुद का है। तो यहाँ पे देखिए हम जो है बताएंगे कि मकान हमारा खुद का है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि आपको कितना लोन चाहिए, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगा। फर्स्ट टाइम आप नए यूजर है तो दोस्तों कम लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए। अगर फर्स्ट टाइम में आप ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो लोन आपका डिक्लाइंड हो जाएगा। के बाद देखिए यहाँ पे हमारी प्रोफाइल के हिसाब से हमारे लिए कुछ ऑफर यहाँ पे फाइंड हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अभी आप देख सकते हैं मेरे लिए यहाँ पे कुछ ऑफर निकल के आ रहे हैं। तो आप ये आप देख सकते हैं हमें दोस्तों यहाँ पे प्री अप्रूव्ड L&T फाइनेंस की तरफ यहाँ पे जो है मिल रहा है। अभी आप अमाउंट देख सकते हैं, हम L&T फाइनेंस से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। के बाद यहाँ पे HDFC बैंक है, इसकी तरफ से भी हमें जो है ऑफर देखने को मिल सकता है। आप चाहे तो इससे भी लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे दोस्तों जो भी लेंडर्स रहेंगे वो आपको शो करेगा। दोस्तों मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा, अगर फ्यूचर में आपने किसी इन बैंकों से लोन लिया और टाइमली उसका लोन रीपे किया तो आप उसी बैंक को चुनिएगा। तो यहाँ पे आपका दोस्तों चांस होंगे 100% आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो रीजन है क्योंकि दोस्तों बैंक के पास आपकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री रहती है, फास्ट में आपने उनका कैसे पेमेंट किया है और कितने टाइम में किया। अगर पर्टिकुलर आपने पेमेंट किया तो आपको इजिली लोन अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों लोन कोई सा भी हो, पर्सनल लोन जरूरी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, XYZ, बस आपका उस बैंक से लोन होना चाहिए। तो हमने दोस्तों फ्यूचर्स में यहाँ पे देखे, हमने L&T फाइनेंस से तो लोन नहीं लिया, बट हम यहाँ पे जाना चाहेंगे दोस्तों बजाज फिंसर के साथ, क्योंकि बजाज फिंसर के साथ हमने यहाँ पे काफी लोन लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा बजाज फिंसर के साथ। तो जो भी बैंक आपको अच्छी लगे आप उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोन की डिटेल थोड़ी सी समझ लीजिएगा। आपका लोन अमाउंट यहाँ से 1 लाख रुपए के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा दोस्तों वो यहाँ पे आपको जो है 4 साल का मिलेगा। उसके बाद जो EMI आएगी वो 2782 रुपए आएगी। के बाद दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 14.9 लगेगा, यानी 15% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। के अंदर दोस्तों प्रोसेसिंग फीस आपकी 2500 रुपए जो है लगने वाली। यहाँ पे दोस्तों आपकी कुछ डिटेल आ जाएगी, कुछ आपको जो है फिल करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देंगे, यहाँ पे अपना लास्ट नेम देंगे, यहाँ पे अपना जेंडर चुनेंगे, मेल है तो मेल डालेंगे, फीमेल है तो फीमेल डालेंगे। के बाद नीचे आप थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे, यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी वो डालेंगे, के बाद अपनी डिग्री डालेंगे, उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आपकी शादी हुई है कि नहीं। यहाँ पे आपका पैन कार्ड, अगर फ्यूचर में पैसा बाजार से आपने डाटा डाला था तो यहाँ पे पैन कार्ड आ जाएगा, नहीं आता तो आप मैनुअली डालेंगे। के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको रेजिडेंट की डिटेल डालनी है। के बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे, देखिए इसमें एड्रेस 1 है तो 1 डालेंगे, अगर कोई 2 एड्रेस आपके अवेलेबल है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। दोनों में सेम है तो आप यहाँ पे तीनों में सेम
डाल दीजिएगा, उसके बाद आप सिटी डालेंगे, आप कौन सी सिटी में रहते हैं, उसके बाद वहाँ का आप पिन कोड डालेंगे, ये आपके घर के डिटेल्स हो गए दोस्तों। उसके बाद आपके एम्प्लॉयज की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे जोन सी इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हैं वो आप डालेंगे, उसके बाद आपको कितना एक्सपीरियंस है वो आप डालेंगे, यहाँ पे ईयर डालेंगे, यहाँ पे मंथ डालेंगे, उसके यहाँ पे टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है वो आप यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे मंथ बताएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे आप कौन सी पोस्ट पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके बाद आपके ऑफिस का जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगा वो आप डालेंगे, क्योंकि ये लोग वेरीफाई करते हैं मेल करके। के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस डालेंगे, 1 है तो 1, 2 है तो 2। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी स्टेट चुनेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप सिटी चुनेंगे। सिटी चुनने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ऑफिस का पिन कोड यहाँ पे देना होगा। देखिए यहाँ पे आप अपना ऑफिस का पिन कोड डालेंगे, यहाँ पे स्टडी कोड डालेंगे, और अगर आपके ऑफिस का एक लैंडलाइन नंबर आपको प्रोवाइड कराना है तो इस चेकबॉक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट का, आप जो है सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये जैसे ही आप सारी डिटेल डाल देंगे ये आपकी डिटेल जो है चली जाएगी, जो भी आपका लेंडर रहेगा, हमने यहाँ पे बजाज फिनसर चुना था, उनकी तरफ से आपको कॉल आएगा, आप कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया होगा। अगर आप एक जनरल पर्सन से तो आपकी सैलरी बैंक में आती होगी, उसका आपको लास्ट 3 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट लगेगा, लास्ट 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप लगेगी, इनका एग्जीक्यूटिव आएगा, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, आपकी प्रोफाइल को लॉग इन करेगा, उनके सिस्टम में अपडेट करेगा, जैसे ही आपका लोन होगा विद इन 48 आवर्स में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पे लोन लेने में थोड़ा सा यही आपको दिक्कत आएगा कि जो वेरिफिकेशन होगा उसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग जाता है। दोस्तों अलग अलग कंपनियों का तरीका अलग अलग लोन देने का होता है, मैं आपको जो बजाज फिनसर के अंदर प्रोसेस होती है वो बता रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है दोस्तों, अराउंड 1 वीक तक का जो है टाइम लग जाता है। बट अगर आप एक जनरल पर्सन है और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो आपको इजिली लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगी होगी, फिर भी बजाज फिनसर को लेकर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, चलिए धन्यवाद।